अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। अभी अभी जो है कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है। अभी अभी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है निकल कर आ रही है। अभी अभी जो है बिहार बोर्ड की तरफ से सबसे बड़ी जो है खबर निकल कर आ रही है, मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 को लेकर सबसे बड़ी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी 2021 के लिए जो है अगर आप लोग आवेदन किए हैं तो आप लोगों की ये खबर जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो है आप लोग काफ़ी बेसब्री से जो यहाँ पर मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट को जो है लेकर आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो फाइनली बिहार बोर्ड ने जो है यहाँ पर सूचना जारी कर दिया है। इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है सारी खबर को जो है एक एक कर जो है इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कोरोना के कारण टाला इंटर स्क्रूटनी 2021 का रिजल्ट। अब जो है यहाँ पर इस दिन जो है होगा जारी, यानी कि मैट्रिक इंटर का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है किस डेट को कितने बजे जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो जैसे में यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 डेट, इस बार हजारों छात्रों ने जो है इंटरमीडिएट स्क्रूटनी 2021 के लिए जो है आवेदन किया था। अपने नंबर से असंतुष्ट या फेल हो जाने के कारण मार्क्स में वृद्धि करवाने के लिए जो यहाँ पर छात्र यह प्रक्रिया करवाते हैं। इस प्रक्रिया में कॉपी की दोबारा जांच की जाती है। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट स्क्रूटनी 2021 की कॉपी का मूल्यांकन जो है शनिवार को ही यहाँ पर समाप्त हो चुका था, और 2021 अप्रैल को यहाँ पर इंटर यानी कि 12th क्लास की जो है यहाँ पर स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करने की यहाँ पर संभावना थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है छात्र दिन भर बेसब्री से बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहे, लेकिन इंटरमीडिएट स्क्रूटनी 2021 का परिणाम जो है जारी नहीं हुआ। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंटर स्क्रूटनी 2021 का रिजल्ट जो है 2 से 3 दिन के लिए जो है यहाँ पर टाल दिया गया है। लोगों की मैं एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया कि आज जो है शाम तक जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है, लेकिन जो है यहाँ पर जारी नहीं किया कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए जो है यहाँ पर रिजल्ट को जो यहाँ पर टाल दिया गया है। 2 से 3 दिन के बाद जो है कभी भी रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इंटर स्क्रूटनी 2021 की रिजल्ट की घोषणा जो है इसी सप्ताह के अंत तक जो है किए जाएंगे। छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है चेक करते रहे, क्योंकि जो है 12th क्लास की स्क्रूटनी की कॉपी की जांच जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है और सारा का सारा रिजल्ट भी यहां पर तैयार कर ली गई है। यहां पर कभी भी बिहार बोर्ड 12th क्लास यानी कि इंटर की स्क्रूटनी की रिजल्ट जो है यहां पर कभी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो यहां पर जारी किया जा सकता है। आप लोग बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है आप लोग चेक करते रहिए, यहां पर कभी भी यहां पर जारी किया जा सकता है। जैसे यहां पर जारी होंगे वैसे जो आप लोग के बीच में लाइव प्रूफ के साथ में चेक करके मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप लोग को मैं जानकारी दे देंगे। आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। यही आप लोग के मन में ये सवाल होंगे कि यहाँ पर कितने मार्क्स जो है स्क्रूटनी में बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर किसी छात्र को 18 मार्क्स मिला है, किसी छात्र को 20 मार्क्स मिला है, किसी छात्र को 15-10 मार्क्स मिला है, किसी छात्र को यहाँ पर मार्क्स भी नहीं बढ़ाए, जितना है उतना ही है। किसी छात्र एवं छात्राओं को मार्क्स भी यहाँ पर घटाया गया है। ये जो है आप लोगों की कॉपी के ऊपर जो है आप लोग के लिखावट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, आप लोग किस प्रकार से लिखे हैं आप लोग के लिखावट के ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग को लगता है कि मैं सही सही कॉपी लेकर आया हूँ, मेरा मार्क्स जो है काट लिया गया है, सही से कॉपी जांच नहीं किया गया है, तो वैसे में आप लोग को मार्क्स जो यहाँ पर बढ़ाया गया है 15 से 20 मार्क्स तक। जो यहाँ पर एक छात्र को यहाँ पर 18 मार्क्स भी दिया गया है, जो मैं आप लोग की पहले के वीडियो में जानकारी दिया। तो यही जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो खबर निकल कर आ रही थी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।